नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व सीएम शीला दीक्षित का आज निधन हो गया है और इसको लेकर कांग्रेस में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति बताई जा रही है क्योंकि कद्दावर नेता थी शीला दीक्षित और आज लगभग दोपहर के 3:30 बजे उनका दिल्ली में निधन हुआ है और उनके निधन का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। काफी लंबे समय से बीमार भी थी, लेकिन इस बीच दिल्ली में एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय दिख रही थी और राजनीति में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रही थी और कई बदलाव भी उन्होंने किया था। लेकिन आज कांग्रेस के लिए एक शोक संदेश आया और शीला दीक्षित के निधन के बाद पूरी कांग्रेस शोक में डूबी हुई है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उनके निधन पर क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। शीला दीक्षित के मौत का खबर अभी हम लोग को मिला, हम लोग सदाकत आश्रम में बैठे हुए थे। निश्चित रूप से सभी कांग्रेसियों के लिए यह बहुत ही कष्टदायक समाचार था। शीला दीक्षित जी हम लोग के आदर्श के रूप में जाने जाती थी और वो दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक रही, 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वहाँ काम की और मैं समझता हूँ जो आज के दिन में वो काफ़ी सम्मानित नेताओं के रूप में जानी जाती थी और हम समझते हैं जो उनके मृत्यु से कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी क्षति हुई है जो निकट भविष्य में जिसका समापन होना संभव नहीं है। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।